हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर बच्चों चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई एम रेनू एंड लेट्स वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इसका आंसर ये होता है। सो द क्वेश्चन इज हेयर, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें आप देख पा रहे हैं, रिएक्शन है लेड ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन के साथ तो वो लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस में से क्या चीज निकल रही है और क्या ऐड हो रही है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है प्लस होना ऑक्सीजन का, एंड अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये दोनों रूल्स अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए, PbO इज कन्वर्ट इनटू Pb, Pb में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है, लास्ट वाला आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट जो आंसर है इसमें लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो लेड नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर? एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी को देखें तो कार्बन इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब वो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो रही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो राइट आंसर है हमारा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये दो ऑप्शंस बच्चों, ये दोनों राइट ऑप्शंस हैं, एंड आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका की पॉइंट या की वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो इनकरेक्ट हमको फाइंड करने हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी रॉन्ग है, एंड लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए एंड बी किस ऑप्शन में आ रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है। सो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में लेड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन माइनस हो रही है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड नॉट लेड, एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है? तो इस तरह से दो ऑप्शन आपके पास ए एंड बी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें यहाँ पर आप आंसर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आप एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर भी, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस Fe। तो ये इसमें पूछा गया है कि ये रिएक्शन, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नहीं होगी क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि दो जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनमें से एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, तो इस तरह से वहां पर भी हमको दो कंपाउंड्स की जरूरत होती है जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डीकम्पोजिशन भी नहीं होगा, तो डीकम्पोजिशन भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। डीकम्पोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो फॉर्म कर लेता है उसके कंपोनेंट्स में। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में ये Al या एल्यूमिनियम Fe को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है और इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर।
नेक्स्ट बहुत इजी है, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ कंटेनिंग फैट और ऑयल इज कॉल्ड. फूड का ऑक्सीडेशन जिसमें कि फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के फूड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? एसिडिटी, नो दिस इज रॉन्ग. कंबशन, नो दिस इज रॉन्ग. रेंसिडिटी, रेंसिडिटी की अगर हम डेफिनेशन रिकॉल करते हैं तो आप देखिए, द फूड द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स कैन बी चेंज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच कंटेन फैट एंड ऑयल. तो रेंसिडिटी यहाँ पर राइट ऑप्शन है. क्लियर. केमिकल रिएक्शंस विच प्रोड्यूसेस हीट, ऐसी रिएक्शंस जो कि हीट को प्रोड्यूस करती हैं. कीवर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट वहां से बाहर निकल रही है. तो हीट जब बाहर निकलती है तो उस तरह की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है. नेक्स्ट बच्चों बात कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? तो कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम सिंपली लिखते हैं तो ए प्लस बी और वो क्या बन जाता है, ए बी फॉर्म हो जाता है. इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. तो सबसे पहले तो हमको दो रिएक्टेंट होने चाहिए. तो देखिए यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शंस को करें तो थर्ड एंड फोर्थ में तो रिएक्टेंट ही सिंगल है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं. अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है एंड सेकंड ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है. तो राइट आंसर इज NH3 प्लस HCl, जिसमें NH को Cl का फॉर्मेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज कलेक्टेड. हाइड्रोजन कहाँ पर कलेक्ट होती है? जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का. तो देखिए यहाँ पर एक सीधा सीधा फंडा होता है कि हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, तो वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा होगी, इसलिए हम इसका आंसर दे सकते हैं इट इज एट कैथोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ जब होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल. यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसको हम कंसिडर करते हैं. NaCl प्लस KNO3 की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो रहे हैं, इसलिए हम इसको भी नहीं मानेंगे इस राइट आंसर. एंड अगर डी की बात करते हैं ऑप्शन में, वहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये दोनों सी एंड डी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है. ए जो ऑप्शन है वो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है. अब हमारे पास बचता है बी, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं. तो जहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट हो रही है, निकल रही है कहाँ से, जेडनो से ऑक्सीजन निकल रही है और क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है. ठीक है. एंड ये ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, CO ले रहा है, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीजन निकल भी रही है और ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, तो इस तरह की रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर. तो सेकंड आंसर इज राइट. क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर आइटम्स को जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो वो ब्लैकिश हो जाते हैं, और वो ब्लैक फॉर्मेशन क्यों होता है, यानी जो सिल्वर ज्वेलरी लोग पहनते हैं वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक कलर की नजर आने लगती है, उसका कोरोजन हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो उस प्रोसेस में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन क्या, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे वो ब्लैकिश कलर फॉर्म होता है. तो कोरोजन ऑफ सिल्वर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर ऑक्साइड में से सल्फर के साथ सिल्वर आइटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कैन प्रिवेंट अ कोरोजन ऑफ आयरन. आयरन के कोरोजन के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं. उन मेथड्स में अगर हम बात करें तो एक मेथड होती है गैल्वेनाइजेशन, और उस प्रोसेस में जिंक का यूज किया जाता है. तो जिंक मेटल इज यूज टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, एड हो रही है ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन
AgNO3 ऐड किया जा रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो NaCl के साथ जब वो ऐड होगा तो उसमें फॉर्म होता है एक प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म होता है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो ये जो पीपीटी फॉर्म हो रहा है ये वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है, और इसलिए इसका सेकंड बी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ए पोटैटो चिप्स पैकेट कैन फ्लश विद ए गैस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रैंसिडिटी। रैंसिडिटी से चिप्स को प्रिवेंट करने के लिए या बचाने के लिए उनके पैकेट्स में एक गैस फिल कर दी जाती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गैस। तो ये सीधा आंसर इसका राइट, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड टू प्रिवेंट द फूड आइटम्स फ्रॉम रैंसिडिटी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ये आपको मालूम है कि फूड मटेरियल इज ऑक्सीडाइज्ड विद द ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल रिएक्शन, कम्बशन ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। सो लास्ट ऑप्शन मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट, यहाँ पर हमारा की वर्ड क्या है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। इसके बाद हम चैप्टर सेकेंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।